जय श्री राम। आइए दोस्तों रामायण का पाठ शुरू करते हैं। रामायण इस प्रकार इस तरह से पढ़ें। मैं बालकांड पर हूँ। मैं रामायण में श्लोक तो पढ़ती ही हूँ, पर मैं साथ के साथ उसका अनुवाद भी करती हूँ, हिंदी अनुवाद भी पढ़ती हूँ। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तेरा माना राज कुमारी, तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, गहे पाई प्रणारित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटाया लिया, तब वहाँ लक्ष्मी ही रह गई, ना राजकुमारी ही, न तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, है शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। मृषा होई मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटाएगी मेरे। हे कृपालु मेरे शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि ये सब मेरी ही इच्छा है। मैंने मुनि से कहा कि आपको अनेक खोटे वचन कहें, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जब पहुँचाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्रामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी प्रतीत जऊ जनि भोरे। जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इसमें हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान कोई मुझे कोई प्रिय नहीं, इस विश्वास को भूल कर भी ना छोड़ना। जही पर कृपा न करही पुरारी, जो सोने पाव मुनि भक्ति हमारी, असुर धरी मैं बिच रहूं जाई, अब नहीं तुम्हारी माया निराई। हे मुनि पुरारी, जिस पर कृपा नहीं करते वे मेरी भक्ति नहीं पाता है, दे मैं ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारी निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर्धान, सत्य लोक नारद चले, करत राम गुण गान, सियापति राम चंद्र की जय, अवधपति राम चंद्र की जय। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझा कर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्य लोक को चले। हर गन मुनि ही जाति पति देखी, विगत मोह मन हर्ष विशेषी, अति सभीत नारद सुनी, नारद पही आए, गही पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोहित रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद के पास आए, उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। हर गन हमने विप्र मुनि राया, बड़ अपराध कीन फल पाया, शाप अनुग्रह करूं कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। मेहे मुनिराज, इस हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं, हमने बड़ा अपराध किया, जिसका फल हमने पा लिया। कृपालु आप अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चय जाए होई तुम दो, विभव विपुल तेज बल हो, बुझ बल विश्व जब जितब तुम जाए, धरे विष्णु मम तनुज दहाए। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें मान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो, तुम अपने भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हो मुकुत नैपुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद श्री नाए, भय निसाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ में तुम्हारी मृत्यु होगी, जिसे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कल्प हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार, सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भूवि विवार, सियापति रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय।